हाँ जी, देखिए शॉर्ट पैराग्राफ में है नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉइस पॉल्यूशन में या तो आपको वर्बल इनपुट पर वर्बल इनपुट क्या होता है, शब्दों के आधार पर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, या फिर आपको विजुअल इनपुट यानी दृश्य के आधार पर, पिक्चर के आधार पर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, या तो आपको वर्बों के आधार वर्बल यानी शब्दों के आधार पर, या फिर आपको विजुअल नॉइस पॉल्यूशन लिखना है। टुडे वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, आर लिसनिंग कैपेसिटी या फिर द लिख दो यहाँ पे, द लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर इज 60 डेसिबल। इफ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड अबाउ 60 डेसिबल लिमिट, मीन्स इट कम्स और कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। द चीफ कॉज ऑफ या कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर लाउड स्पीकर एयरलाइंस ट्रेन्स स्पेस रॉकेट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
places as factories, and companies. It is more painful to small children and old aged person. Government should, your government takes your government bodies take suitable actions. They situates or develops gardens, spaceful and boarded roads, far situated factory airport junctions etc. We should grow more and more trees. It helps to reduce the sound effect ठीक है तो ये हो गया आपके नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ देखो टुडे वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पॉल्यूशन द लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर इज 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल की ह्यूमन कैपेसिटी होती है कानों की यदि साउंड इफ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड यदि साउंड को उपयोग प्रोड्यूस किया जाता है अबाउ 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल से ऊपर इसको प्रोड्यूस होता है या किया जाता है इस लिमिट से तो इसका मतलब होता है कि इट कम्स और कॉल्स नॉइस पोल्यूशन तो ये आता है या कहा जाता है या कहते हैं इसको नॉइस पोल्यूशन द चीफ कॉजेज ये जो मुख्य कारण जो हैं नॉइस पोल्यूशन के वो हैं लाउड स्पीकर एयरलाइंस ट्रेन्स स्पेस रॉकेट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस एज फैक्ट्रीज एंड कंपनीज ये है नॉइस पोल्यूशन के जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में हमको देखने को मिलते हैं
इट इज़ मोर पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, सरकारी जो मशीनरी हैं वो सूटेबल एक्शन लेती हैं, वो क्या करती हैं, वो स्थापित करती हैं, दे सिचुएट्स और डेवलप विकसित करती हैं गार्डन्स को, स्पेसफुल एंड ब्रॉडेड रोड्स को, यानी चौड़ी जगह और चौड़े रास्तों को, फार सिचुएटेड फैक्ट्रीज, दूर स्थापित किए हुए फैक्ट्रीज़ को, और एयरपोर्ट और जंक्शन वगैरह वगैरह, जिससे क्या है कि मानव आबादी से वो दूर रहें। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साउंड इफ़ेक्ट, ये जो पेड़ होते हैं वो साउंड इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक कमरा जब खाली रहता है तो आवाज़ गूंजती है, ज़्यादा आवाज़ होती है, मगर यदि वही कमरा यदि भरा हुआ है सामान से या लोगों से तो हमें कम आवाज़ सुनाई देती है, नहीं दिखा, एकदम क्लियर और बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है। इस वजह से जो पेड़ हैं वो साउंड इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं। फिर आपके है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो हम लॉकडाउन में समझ ही चुके हैं। टुडे इंटरनेट हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वी कांट डू एनी डिस्टेंस वर्क विदाउट इंटरनेट। It is helpful to students employees businessmen bank process media entertainment and so on। In lockdown स्टूडेंट एंड अदर हु वर्क्स एट ऑफिस इंटरनेट इज द की टू गो अहेड properly। Internet means the collection of world level knowledge। It connects the world at a single platform। There are many
सर्च इंजन, फोर सर्फिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, एंड डाउनलोडिंग। वी कैन लर्न एट होम थ्रू ऑनलाइन क्लासेज, वी कैन एंड वी कैन डू एनीथिंग लाइक शॉपिंग, थ्रू वेरियस साइट्स। ठीक है भाई, देखो इंटरनेट के बारे में क्या लिखा हमने। टुडे इंटरनेट हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। वी कांट डू एनीथिंग डिस्टेंस वर्क, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं दूर से, डिस्टेंस वर्क कर सकते हैं विदाउट विद इंटरनेट, बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते। इट इज़ हेल्पफुल, ये सहायक है टू स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बैंक प्रोसेस के लिए, मीडिया के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और पता नहीं क्या क्या। इन लॉकडाउन में स्टूडेंट्स एंड अदर हु वर्क, जो कार्य करते थे एट ऑफिस में, इंटरनेट इज़ द की टू गो अहेड प्रॉपरली। इंटरनेट ही एक ऐसा तरीका था जिससे हम आगे बढ़ सकते थे और आगे बढ़े भी हैं। इंटरनेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड लेवल नॉलेज, इंटरनेट का मतलब होता है कि आप वर्ल्ड लेवल पर जितने भी आपके कलेक्टेड यानी कलेक्शन होता है नॉलेज का, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, हम जो नॉलेज अपलोड करते हैं वही हमको बताता है। इट कनेक्ट द वर्ल्ड एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जोड़ता है। देयर आर मैनी सर्च इंजन्स, काफ़ी सारे सर्च इंजन्स हैं फॉर सर्फिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए। वी कांट लर्न एट होम, वी कैन, हम घर पे सीख सकते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। एंड वी कैन डू एनीथिंग लाइक शॉपिंग एंड थ्रू वेरियस साइट्स, हम अलग अलग साइट से काफ़ी कुछ भी कर सकते हैं जैसे शॉपिंग वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंटरनेट के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ। हाँ जी, देखिए इस वीडियो में आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर टू द एडिटर, जो पहला है, ए कंप्लेंट अबाउट द वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन, अबाउट द वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन। वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि आपके जो पानी की सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है। तो उसके बारे में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना है। तो देखिए, हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट, इससे आपको पता लग चुका है कि हम किस बारे में लिखेंगे, इसलिए ये काल्पनिक लाइन मान लीजिए। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा H57 मालवीय नगर जयपुर, डेट लिख दो 23 मार्च 2021, जो भी है।
द एडिटर, एडिटर कौन सा है, कोई सा भी ले लो आप, राजस्थान पत्रिका ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, राजस्थान पत्रिका। जयपुर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, ए कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट इसको अपन बदल भी सकते हैं, अबाउट द वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखिए सर, ठीक है, अब अपन को लिखना क्या है कि थ्रू योवर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर कॉलम थ्रू योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर कॉलम आई वॉन्ट टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ वाटर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, यानी थ्रू योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम के कॉलम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ वाटर डिपार्टमेंट ऑफिसर, किस लिए, अबाउट, यहां पर अपन इसको मैंने बोला चेंज कर सकते हैं, इरेगुलर वाटर सप्लाई, इरेगुलर ये ब्रेकडाउन का था मतलब बिल्कुल ही आना बंद हो गया, तो इसमें लिखते हैं इस ब्रेक अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आर कॉलोनी। यहां से लिखेंगे वी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस फॉर 3 weeks, द मेन सर्विस ऑफ वाटर लाइन वाटर लाइन लॉट ऑफ वाटर क्वांटिटी इज फ्लोइंग वेस्ट, लॉट ऑफ वाटर क्वांटिटी इज फ्लोइंग वेस्ट, बहुत सारी जो वाटर की मात्रा है वो व्यर्थ जा रही है, वी हैव टू कैरी या वी हैव टू ब्रिंग वी हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अदर फार कॉलोनीज, आई रिक्वेस्ट
टू पुट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर वाटर इन योर न्यूज़ पेपर। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ठीक है भाई।